मेरा भाई को किसी ने ताना मारा। तू तो राज रानी है, महलों में रहने वाली है और तेरे गुरु झोपड़ी में रहते हैं। उन्हीं तो एक वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती। मीरा से भला ये सब कैसे सहन होता। वे गुरु दर्शन के लिए चल पड़ी। एक हीरा उसने गांठ में बांध लिया। रिताश जी अपनी झोपड़ी में एक हाथ में सुई और दूसरी में फटी पुरानी जूती लेकर बैठे थे। पास ही एक कटौती पड़ी थी। मीरा ने गुरु चरणों में वे बहुमूल्य हीरा रखते हुए प्रणाम किया। वे हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, गुरुजी, लोग मुझे ताने मारते हैं कि तेरे गुरु को रहने के लिए अच्छी कुटिया भी नहीं है। इस झोपड़ी और कटौती को छोड़कर तीर्थ यात्रा कीजिए। और आगे संत रिदास जी ने मीरा को बोलने का मौका नहीं दिया। वे बोले, गिरिधर नागर की सेविका होकर तुम ऐसा कहती हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरे लिए इस कटौती का पानी ही गंगा जी है और ये झोपड़ी ही मेरी काशी है। इतना कहकर रिदास जी ने कटौती में से एक अंजलि जल लेकर उसकी धार की और अनेकों सच्चे मोती जमीन पर बिखर गए। मीरा वहाँ खड़ी चकित सी देखती रह गई।